नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटिए आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डबरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट विद हाइजीनिक किचन, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार, फिजिक्स गुरु के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ नाका 5 उमा सिनेमा के सामने दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर दिग्घी पश्चिम दरभंगा, उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। खाने का स्वाद अलग अंदाज, दरभंगा का पहला ISO प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, V2 मॉल मिर्जापुर चौक दरभंगा। हर आयोजन के लिए AC विवाह भवन, पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। कोरोना संकट काल में घर बैठे करिए पढ़ाई डिजिटल तरीके से, वह भी लाइव क्लास के द्वारा। डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर GP सिंह। ओपनिंग शॉर्टली न्यू अजंता स्वीट्स एंड कैटरर्स, भंडार चौक कटहलवाड़ी दरभंगा। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल कबीरचक दरभंगा, दार्जिलिंग के शिक्षकों द्वारा संचालित नर्सरी से 10वीं तक इंग्लिश मीडियम का उत्कृष्ट विद्यालय। आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट साल्ट एंड पीपर टावर चौक दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी देर में। फॉर्मेट C1 फॉर कैंडिडेट टू पब्लिश इन न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन, डिक्लेरेशन अबाउट क्रिमिनल केसेस। एज पर द जजमेंट डेटेड 25 सितंबर 2018 ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन WP सिविल नंबर 536 ऑफ 2011, पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन एंड अदर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड ANR, नेम एंड एड्रेस ऑफ कैंडिडेट डॉक्टर मदन मोहन झा, नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट शुड राइट इंडिपेंडेंट हियर, नेम ऑफ इलेक्शन दरभंगा टीचर्स कंस्टिट्यूएंसी, नेम ऑफ कंस्टिट्यूएंसी दरभंगा टीचर्स, आई डॉक्टर मदन मोहन झा, नेम ऑफ कैंडिडेट, अ कैंडिडेट फॉर द एवब मेंशनड इलेक्शन डिक्लेयर्ड फॉर पब्लिक इंफॉर्मेशन द फॉलोइंग डिटेल्स अबाउट माई क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स। ए, पेंडिंग क्रिमिनल केसेज, सीरियल नंबर 1, नेम ऑफ कोर्ट CGM डिवीजन पटना सदर, केस नंबर एंड डेटेड GR नंबर 15519/2019, स्टेटस ऑफ केसेस नॉट एप्लीकेबल, सेक्शंस ऑफ एक्ट्स कंसर्न एंड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑफेंसेस 143, 147, 149, 188, 341, 342, 323, 332, 353, 504, 506 IPC, सीरियल नंबर 2, नेम ऑफ कोर्ट CGM डिवीजन पटना सदर, केस नंबर एंड डेटेड GR नंबर 16902/2019, स्टेटस ऑफ केसेस नॉट एप्लीकेबल, सेक्शंस ऑफ एक्ट्स कंसर्न एंड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑफेंसेस 147, 149, 188, 341, 342, 504, 505 IPC, सीरियल नंबर 3, नेम ऑफ कोर्ट CGM डिवीजन पटना सदर, केस नंबर एंड डेटेड GR नंबर 7498/2020, स्टेटस ऑफ केसेस नॉट एप्लीकेबल, सेक्शंस ऑफ एक्ट्स कंसर्न एंड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑफेंसेस 188, 269, 270 IPC, सीरियल नंबर 4, नेम ऑफ कोर्ट CGM डिवीजन पटना सदर, केस नंबर एंड डेटेड GR नंबर 8574/2020, स्टेटस ऑफ केसेस नॉट एप्लीकेबल, सेक्शंस ऑफ एक्ट्स कंसर्न एंड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑफेंसेस 188, 269, 270 IPC, बी, डिटेल्स अबाउट केसेस ऑफ कन्विक्शन फॉर क्रिमिनल ऑफेंसेस, सीरियल नंबर 1, नेम ऑफ कोर्ट एंड डेट्स ऑफ ऑर्डर नील, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट इम्पोज्ड नील, मैक्सिमम पनिशमेंट इम्पोज्ड नील, सीरियल नंबर 2, नेम ऑफ कोर्ट एंड डेट्स ऑफ ऑर्डर नील, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट इम्पोज्ड नील, मैक्सिमम पनिशमेंट इम्पोज्ड नील, सीरियल नंबर 3, नेम ऑफ कोर्ट एंड डेट्स ऑफ ऑर्डर्स
नील, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑफेंसेज एंड पनिशमेंट इम्पोज नील, मैक्सिमम पनिशमेंट इम्पोज नील, सीरियल नंबर 4, नेम ऑफ कोर्ट एंड डेट्स ऑफ ऑर्डर्स नील, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑफेंसेज एंड पनिशमेंट इम्पोज नील, मैक्सिमम पनिशमेंट इम्पोज नील. In the case of election to council of state or election to legislative council by MLAs, mention the election concerned in place of name of constituency. Format C2 for political party to publish in website, newspaper, television. Declaration about criminal antecedents of candidates set up by the party. As per the judgment dated 25th September 2018 of Honorable Supreme Court in WP Civil Number 536 of 2011, Public Interest Foundation and others versus Union of India and ANR, name of political party, Indian National Congress, name of election, Darbhanga Teachers Constituency, name of state, oblique UT, Bihar. Name of constituency, Darbhanga Teachers, name of candidate, Dr. Madan Mohan Jha, A. Pending criminal cases, name of court, case number and status of the cases, CJM Division Patna, Sadar, GR number 15519/2019, not applicable, sections of acts concerned and brief description of offences 143, 147, 149, 188, 341, 342, 323, 332, 353, 504, 506, IPC. B. Details about cases of conviction for criminal offences. Name of court and dates punishment imposed not applicable, description of offences and punishment imposed not applicable, maximum punishment imposed nil. Name of court, case number and status of the cases, CJM Division Patna, Sadar, GR number 16902/2019, not applicable, sections of acts concerned and brief description of offences 147, 149, 188, 341, 342, 504, 505, IPC. Name of court and dates punishment imposed not applicable, description of offences and punishment imposed not applicable, maximum punishment imposed nil. Name of court, case number and status of the cases, CJM Division Patna Sadar, GR number 7498/2020, not applicable, sections of acts concerned and brief description of offences 188, 269, 270, IPC. B. Details about cases of conviction for criminal offences. Name of court and dates punishment imposed not applicable, description of offences and punishment imposed not applicable, maximum punishment imposed nil. A. Pending criminal cases, name of court, case number and status of the cases, CJM Division Patna Sadar, GR number 8574/2020, not applicable, sections of acts concerned and brief description of offences 188, 269, 270, IPC. Details about cases of conviction for criminal offences, name of court and dates punishment imposed not applicable, description of offences and punishment imposed not applicable, maximum punishment imposed nil. In the case of election to council of state or election to legislative council by MLAs, mention the election concerned in place of name of constituency. और समाचार अब विस्तार से. वाहन चेकिंग में अब तक दरभंगा में 1,19,00,000 रुपए जब्त हुए हैं. 60 लोगों पर हुई है सीसीए की कार्रवाई. वाहन चेकिंग में 1,19,00,000 रुपए की हुई जब्ती, 60 लोगों पर सीसीए की हुई कार्रवाई.
बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के अवसर पर विधि व्यवस्था बनाए रखने तथा शांतिपूर्ण निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में मतदान एवं मतगणना की प्रक्रिया संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के विरुद्ध लगातार निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। FST एवं SST द्वारा क्षेत्र भ्रमण कर लगातार दबिश बनाई जा रही है। इनके द्वारा वाहनों की सघनता से जाँच कर गैर कानूनी आवाजाही पर निगरानी रखी जा रही है। वाहनों की जांच में अब तक 1,19,09,000 रुपए की जब्ती हुई है। वहीं पुलिस के द्वारा 17,597 लीटर से अधिक शराब जब्त की गई है। आपराधिक प्रवृत्ति के 142 व्यक्तियों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट निर्गत किए गए हैं। वहीं 60 लोगों के विरुद्ध CCA के तहत कार्रवाई की गई है, जिन्हें अपने थाने क्षेत्र से इतर के थाने में रोज हाजिरी लगानी होगी या अन्य थाना क्षेत्र में रहना होगा। कुल 7181 व्यक्तियों से बंद पत्र भरवाया गया है। कुल मतदान तिथि के लिए 235 भेदे टोले की पहचान हुई है, जहाँ के 1651 व्यक्ति ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिसके द्वारा गड़बड़ी फैलाए जाने की आशंका है। 1222 शस्त्र का सत्यापन किया गया है, जिनमें से 349 आर्म्स जमा कराए गए हैं। मास्क चेकिंग अभियान में 37 लाख से ज्यादा राशि की अब तक हो चुकी है वसूली, लगातार जारी है अभियान। मास्क चेकिंग अभियान में 37,69,000 रुपए की हुई वसूली। जिला दंडाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM के आदेश के आलोक में बिहार विधानसभा आम निर्वाचन को लेकर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले में मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और इसमें तेजी लाई गई है। अब तक किए गए मास्क चेकिंग अभियान में दरभंगा शहरी क्षेत्र में कुल 2,566 लोगों से 1,32,800 रुपये जुर्माने की वसूली की गई है। वहीं परिवहन विभाग द्वारा 152 वाहनों को मास्क लगाकर नहीं चलने, सरकार के आदेश का अनुपालन नहीं करने के लिए 1,76,100 रुपये का जुर्माना किया गया है। सदर अनुमंडल क्षेत्र में कुल 27,381 लोगों को मास्क नहीं पहनने के लिए जुर्माना किया गया है और बतौर 13,69,350 रुपए की वसूली की गई। वहीं बेनीपुर अनुमंडल क्षेत्र में 9,252 लोगों से मास्क नहीं पहनने के लिए 8,78,600 रुपए जुर्माना की वसूली की गई। बिरौल अनुमंडल क्षेत्र में 8,100 लोगों से 12,12,800 रुपए की वसूली की गई। इस प्रकार 47,451 लोगों को मास्क नहीं पहनने के लिए 37,69,650 रुपए का जुर्माना किया गया है। सदर क्षेत्र के 25 एवं बेनीपुर अनुमंडल क्षेत्र के 16 कुल 41 दुकानों प्रतिष्ठानों को दुकानदार या ग्राहकों द्वारा मास्क नहीं पहनने या सामाजिक दूरी का अनुपालन नहीं करने के लिए सील किया गया है। कोरोना एवं बिहार विधानसभा चुनाव के बीच दुर्गा पूजा के आयोजन हेतु गाइडलाइन जारी, मानने होंगे कई निर्देश। दुर्गा पूजा को लेकर बिहार सरकार के गृह विभाग ने जारी किए आदेश, नहीं होगा किसी तरह के मेले का कोई भी आयोजन। वैश्विक महामारी COVID-19 एवं बिहार विधानसभा निर्वाचन 2020 के बीच दुर्गा पूजा के त्यौहार की तिथियां पड़ रही हैं। दुर्गा पूजा में बड़ी संख्या में लोग पूजा पंडाल, मंडप, मंदिर, शिवालय इत्यादि स्थानों पर एकत्रित होते हैं, लेकिन COVID-19 के संक्रमण से बचाव के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत निर्देशों का पालन इस अवसर पर सख्ती से कराया जाना आवश्यक है। अतः कंटेनमेंट जोन के बाहर दुर्गा पूजा 2020 के आयोजन के संबंध में कई दिशा निर्देश जारी करने का निर्णय लिया गया है। इस आदेश को जारी किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पूजा संबंधी किसी कार्यक्रम से चुनाव आचार संहिता एवं भारत निर्वाचन आयोग के किसी निर्देश का उल्लंघन न हो। दुर्गा पूजा का आयोजन मंदिरों में या निजी रूप से घर पर ही किया जाए। मंदिरों में आयोजन के लिए कई शर्तें होंगी। मंदिर में पूजा पंडाल या मंडप का निर्माण किसी विशेष विषय पर नहीं किया जाएगा। इसके आसपास कोई तोरण द्वार अथवा स्वागत द्वार नहीं बनाया जाएगा। जिस जगह मूर्तियां रखी गई हैं उस स्थान को छोड़कर शेष भाग खुला रहेगा। सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली का उपयोग नहीं किया जाएगा। इस अवसर पर किसी भी प्रकार के मेले का आयोजन नहीं होगा। पूजा स्थल के आसपास खाद्य पदार्थों का स्टॉल नहीं लगाया जाएगा। किसी प्रकार के विसर्जन जुलूस की अनुमति नहीं होगी। जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित तरीके से चिन्हित स्थानों पर ही मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। विसर्जन विजयादशमी 25 अक्टूबर को ही पूर्ण कर लिया जाएगा। कोई सामुदायिक भोज,
प्रसाद या भोग का वितरण नहीं किया जाएगा। आयोजकों पूजा समितियों द्वारा किसी रूप में आमंत्रण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। मंदिर में पूजा पंडाल और मंडप के उद्घाटन के लिए कोई सार्वजनिक समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा। मंदिर में पूजा के आयोजकों द्वारा पर्याप्त सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। कोरोना संक्रमण रोकने के संबंध में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत मापदंड का पालन करना अनिवार्य होगा। पूजा के आयोजकों और कार्यकर्ताओं एवं उससे संबंधित अन्य व्यक्तियों को स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा। किसी भी सार्वजनिक स्थल, होटल, क्लब आदि पर गरबा, डांडिया, रामलीला इत्यादि कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा। सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क का प्रयोग तथा सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना अनिवार्य होगा। सभी आगंतुकों के तापमान की जांच की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा आयोजकों के सहयोग से इन दिशा निर्देशों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा ताकि लोगों को इसका स्वतः पालन करना सुलभ लगे। सभी जिला पदाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक रेल सहित उपरोक्त दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करेंगे, ऐसा निर्देश दिया गया है। निर्देशों के उल्लंघन पर दंड का भी प्रावधान रखा गया है। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ाई गई। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि 31 अक्टूबर 2020 तक की गई विस्तारित। मास्क पहनना व सोशल डिस्टेंस रखना है अनिवार्य। गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा कोविड-19 का प्रसार रोकने हेतु 30 सितंबर के माध्यम से रीओपनिंग के दिशा निर्देश निर्गत करते हुए कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि को 31 अक्टूबर तक विस्तारित किया गया है तथा कतिपय अन्य निर्देश भी दिए गए हैं। कंटेनमेंट जोन के बाहर 15 अक्टूबर से सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सभाओं को विनियमित करने हेतु निम्नवत मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है। उक्त के आलोक में कई आदेश जारी किए गए हैं। यदि कार्यक्रम या सभा का आयोजन बंद स्थल में किया जा रहा है तो अधिकतम 200 व्यक्तियों की अंतिम सीमा के साथ हॉल की क्षमता के 50% उपस्थिति की अनुमति रहेगी। बंद स्थल में एयर कंडीशनिंग उपकरणों की उपलब्धता की स्थिति में उनकी तापमान सेटिंग 24 से 30 डिग्री सेल्सियस की सीमा में होना चाहिए। यदि एयर कंडीशनर उपलब्ध न हो तो ताजी हवा का आवागमन जितना संभव हो उतना सुलभ किया जाना चाहिए और क्रॉस वेंटिलेशन की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। यदि कार्यक्रम या सभा का आयोजन खुले स्थल में किया जा रहा है तो जिला प्रशासन या सक्षम प्राधिकार मैदान अथवा सभा स्थल के आकार को ध्यान में रखते हुए समुचित संख्या में लोगों की उपस्थिति की अनुमति प्रदान करेगा। कार्यक्रम या सभा में बैठने या खड़े रहने की व्यवस्था इस तरह से की जाए ताकि पर्याप्त सामाजिक दूरी बनी रहे। कार्यक्रम और सभा में शामिल सभी व्यक्ति आपस में कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखेंगे। कार्यक्रम या सभा में शामिल सभी व्यक्ति अनिवार्य रूप से फेस कवर या मास्क का उपयोग करेंगे। प्रवेश के समय हाथ सैनिटाइजर से सैनिटाइज करने अथवा धोने तथा थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। श्वसन शिष्टाचार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कक्ष में अथवा कार्यक्रम में उपस्थित सभी व्यक्ति खांसते या छींकते समय टिश्यू पेपर, रुमाल, मोड़ी हुई कुहनी का प्रयोग करेंगे। कार्यक्रम और सभा के आयोजक सुनिश्चित करेंगे कि प्रयुक्त टिश्यू पेपर का ठीक से निपटारा किया जाए। कार्यक्रम या सभा स्थल के रूप में प्रयुक्त परिसर या मैदान में अक्सर स्पर्श की जाने वाली सतहों यथा दरवाजे का हैंडल, माइक, कुर्सी, टेबल, नल, रेलिंग, बैरिकेडिंग आदि को समय समय पर साफ एवं प्रभावी कीटाणुनाशक से विसंक्रमित किया जाए। कार्यक्रम या सभा में यत्र तत्र थूकना सर्वथा वर्जित होगा। कार्यक्रम या सभा हेतु प्रयुक्त पार्किंग एवं परिसर के बाहर समुचित भीड़ प्रबंधन में विधिवत सामाजिक दूरी के मापदंडों को सुनिश्चित किया जाए। कोविड-19 बीमारी के लक्षणों से रहित व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। एक दूसरे से मिलते समय परस्पर शारीरिक संपर्क वाले अभिवादन यथा हाथ मिलाना, गले मिलना आदि से बचेंगे ताकि पारस्परिक दूरी बनी रहे। आगंतुकों द्वारा छोड़े गए मास्क, फेस कवर, दस्ताने के समुचित निपटान की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। सभी व्यक्तियों को आरोग्य सेतु ऐप का प्रयोग करने की सलाह दी गई है। सामाजिक दूरी के अनुपालन के लिए सक्षम मजिस्ट्रेट के द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश निर्गत किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। सक्षम प्राधिकार की पूर्वानुमति प्राप्त कर किसी प्रकार के कार्यक्रम या सभा का आयोजन किया जा सकेगा। पढ़कर आगे बढ़ने का जज्बा। मुजफ्फरपुर जेल में बंद विचाराधीन कैदी पहुंचा परीक्षा देने। हाथों में हथकड़ी, साथ में पुलिस के जवान और ऐसे में
महिला कॉलेज केंद्र पर जब एक व्यक्ति अंदर दाखिल होता दिखा तो आसपास के लोगों ने आश्चर्य से अपनी आंखें गड़ाए रखी। उन्हें लगा कि एक हाथ में हथकड़ी लगा हुआ कैदी आखिर कॉलेज में क्यों जा रहा है। लेकिन जब माजरा उनकी समझ में आया तो लोग भी इस पर अपनी राय रखने लगे, तारीफ करने लगे इस लड़के की। परीक्षा देने के लिए कोर्ट से आदेश प्राप्त कर यह विचाराधीन कैदी जेल से निकलकर 5 सुरक्षा बलों की कस्टडी में मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत पीजी की परीक्षा देने डॉक्टर नागेंद्र झा महिला कॉलेज लहरियासराय परीक्षा केंद्र पर पहुंचा। मुजफ्फरपुर जिला के गायघाट थाना क्षेत्र निवासी चंदेश्वर शाह नाम का यह विचाराधीन कैदी है। एक आरोप में यह शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारागार मुजफ्फरपुर जेल में बंद है। वहीं से परीक्षा देने के लिए अनुमति लेकर यह यहां आया और परीक्षा दे रहा है। फिलहाल मामला कोर्ट में चल रहा है और जो भी फैसला आएगा वह तो जांच के बाद ही आएगा और वह कोर्ट का फैसला होगा। लेकिन फिलहाल लोगों ने जब इसके पढ़ने की ललक देखी, परीक्षा देने के लिए इस हालत में भी पहुँचने की ललक देखी तो सब ने इसकी तारीफ की और कहा यह जज्बा अच्छा है। बिहार में कोरोना के 1140 नए मरीज, आंकड़ा 1,95,000 के करीब, टोटल एक्टिव केस 12,220। बिहार में कोरोना के 1140 नए मरीज, आंकड़ा 1,95,000 के करीब पहुंचा, टोटल एक्टिव केस 12,250। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पटना में सबसे अधिक 256, अररिया में 58, अरवल में 7, औरंगाबाद में 22, बांका में 13, बेगूसराय में 20, भागलपुर में 38, भोजपुर में 9, बक्सर में 7, दरभंगा में 10, पूर्वी चंपारण में 37, गया में 36, गोपालगंज में 22, जमुई में 17, जहानाबाद में 27, कैमूर में 1, कटिहार में 23, खगड़िया में 4, किशनगंज में 34, लखीसराय में 21, मधेपुरा में 38, मधुबनी में 12, मुंगेर में 9, मुजफ्फरपुर में 50, नालंदा में 40, नवादा में 20, पूर्णिया में 58, रोहतास में 30, सहरसा में 69, समस्तीपुर में 11, सारण में 35, शेखपुरा में 19, शिवहर में 1, सीतामढ़ी में 2, सीवान में 17, सुपौल में 25, वैशाली में 23 और पश्चिम चंपारण में 19 नए मरीज मिले हैं। दरभंगा में भी बढ़ा आंकड़ा, मिले 10 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा में भी मिले 10 नए पॉजिटिव केस, बढ़ी संख्या। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में कोरोना के 10 नए पॉजिटिव केस मिले हैं और इसके साथ ही दरभंगा में भी कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ गया है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी आप हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरुसेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किसना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज, आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ नाका 5 के निकट उमा सिनेमा के सामने दरभंगा और प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, जेईई मेन एंड एडवांस, प्लस 2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, 7, 8, 9, 10th एंड NTSC KVPY ओलंपियाड, के सर द्वारा संचालित। अपने बिजनेस को दीजिए ऊंची उड़ान हमारे साथ। चांदनी कॉम्प्लेक्स, मेन रोड नियर भगत सिंह चौक, देना बैंक बिल्डिंग दरभंगा, जहां उपलब्ध है 1,500 स्क्वायर फीट का कॉमर्शियल स्पेस, बैंक, ऑफिस, शोरूम सहित विभिन्न व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9835687786। क्वालिटी एजुकेशन विद ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड, हेरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा। रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, GPS इनेबल्ड बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, CCTV सर्विलांस, 5 एकर्स एनवायरमेंट फ्रेंडली कैंपस, ऑल क्लासरूम्स आर एज पर CBSE नॉर्म्स, नो री एडमिशन चार्जेस फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स। ब्रेक के बाद एक बार अपना आप सबका स्वागत, बढ़ेंगे आगे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा में वाहन चेकिंग में अब तक 1,19,00,000 रुपए जब्त, 60 लोगों पर CCA की कार्रवाई। मास्क चेकिंग अभियान में 37,00,000 रुपए से ज्यादा की हुई अब तक वसूली।
कोरोना एवं बिहार विधानसभा चुनाव के बीच दुर्गा पूजा के आयोजन हेतु गाइडलाइन जारी, मानने होंगे कई निर्देश। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि 31 अक्टूबर तक बढ़ाई गई। पढ़कर आगे बढ़ने का जज्बा, मुजफ्फरपुर जेल में बंद विचाराधीन कैदी पहुंचा परीक्षा देने दरभंगा। बिहार में कोरोना के 1140 नए मरीज, आंकड़ा 1,95,000 के करीब, टोटल एक्टिव केस 12,250। दरभंगा में भी बढ़ा आंकड़ा, मिले 10 नए पॉजिटिव केस। कहीं चुनावी पाठशाला तो कहीं शपथ ग्रहण के जरिए जारी है मतदाता जागरूकता अभियान, जीविका दीदियां चला रही विभिन्न कार्यक्रम। व्यय प्रेक्षक ने किया क्षेत्र का भ्रमण, FST एवं SST के कार्यों का लिया जायजा। दुर्गा पूजा को लेकर दरभंगा जिला शांति समिति की बैठक आयोजित, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई मीटिंग। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के दूसरे दिन भी नहीं खुला खाता, एक भी प्रत्याशी ने अब तक दाखिल नहीं किया है नामांकन, कल रविवार को सार्वजनिक अवकाश, अब सोमवार पर टिकी आस। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा दरभंगा के 23 केंद्रों पर आयोजित हुई परीक्षा। मिथिला विश्वविद्यालय में कुलपति की अध्यक्षता में आयोजित हुई मीटिंग, विश्वविद्यालय विभागों के प्राचार्यों को मिला टास्क। संस्कृत विश्वविद्यालय में गूगल मीट के जरिए वेबिनार का हुआ आयोजन, कुलपति ने की अध्यक्षता। और अनसीन एलोकेंट्स द्वारा कल 11 अक्टूबर को संध्या 5 बजे आयोजित हो रहा युवा कवि सम्मेलन, फेसबुक पेज पर भी होगा लाइव प्रसारण। न्यूज टुडे दरभंगा निभा रहा मीडिया पार्टनर की भूमिका। कहीं चुनावी पाठशाला तो कहीं शपथ ग्रहण के जरिए जारी है मतदाता जागरूकता अभियान, जीविका दीदियां चला रही विभिन्न कार्यक्रम। कहीं चुनावी पाठशाला तो कहीं मेहंदी रचाकर या फिर शपथ ग्रहण का आयोजन कर मतदाताओं को लगातार मतदान के लिए किया जा रहा जागरूक। जीविका दीदियां लगातार मतदाताओं को उनके मत का महत्व बता रही हैं, उन्हें जागरूक कर रही हैं और उनसे यह अनुरोध कर रही हैं कि मतदान के दिन आप हर हाल में मतदान करने अवश्य जाएं। आप भी अगर वोटर हैं तो मतदान के दिन अपने घर से निकलिए, मतदान कीजिए, क्योंकि आपका चुना हुआ प्रतिनिधि बनाएगा आपकी सरकार। व्यय प्रेक्षक ने किया क्षेत्र का भ्रमण, FST एवं SST के कार्यों का लिया जायजा। व्यय प्रेक्षक ने किया क्षेत्र का भ्रमण, FST SST के कार्यों का लिया जायजा। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन के लिए दरभंगा के सभी 10 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए नियुक्त व्यय प्रेक्षक N. अशोक बाबू द्वारा आज कुशेश्वर स्थान, गौराबोराम, बेनीपुर एवं दरभंगा ग्रामीण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान उन्होंने कई जगह तैनात SST नाका एवं भ्रमणशील FST के पास रुककर उनके कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान बिरौल के समीप लगाए गए नाका के समीप रुककर वहां कार्यरत SST को उन्होंने निर्देश दिया कि वाहन चेकिंग के दौरान खासकर दो पहिया वाहन की डिक्की एवं चार पहिया वाहन का बोनट एवं डिक्की खोलकर जांच की जाए। इसके उपरांत उन्होंने कुशेश्वर स्थान पूर्वी के प्रखंड कार्यालय में प्रखंड विकास पदाधिकारी से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में करवाए जा रहे वाहन चेकिंग एवं FST के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी से कहा कि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर दियारा क्षेत्र में लगातार जाँच कराई जाए। दुर्गा पूजा को लेकर दरभंगा जिला शांति समिति की बैठक आयोजित, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई मीटिंग। दुर्गा पूजा को लेकर जिला शांति समिति की हुई बैठक। समाहरणालय परिसर अवस्थित सभागार में जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM एवं वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा बाबू राम की अध्यक्षता में दुर्गा पूजा को लेकर जिला शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सभी पूजा समितियों को जिलाधिकारी द्वारा गृह विभाग विशेष शाखा द्वारा निर्गत आदेश से अवगत कराते हुए कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना एवं बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के बीच दुर्गा पूजा के त्यौहार की तिथियाँ पड़ रही हैं। दुर्गा पूजा में भीड़ एकत्रित नहीं हो और कोरोना के लिए जारी गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन हो, इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के दूसरे दिन भी नहीं खुला खाता, एक भी प्रत्याशी ने अब तक दाखिल नहीं किया है नामांकन। कल रविवार को सार्वजनिक अवकाश, अब सोमवार पर टिकिया। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का कार्य चल रहा है, लेकिन नामांकन कार्य के दूसरे दिन शनिवार को भी नहीं खुला नामांकन का खाता, एक भी अभ्यर्थी ने दाखिल नहीं किया पर्चा। रविवार को अवकाश है, सार्वजनिक अवकाश के कारण रविवार को नामांकन की प्रक्रिया नहीं होगी। अब 12 अक्टूबर सोमवार को ही उम्मीद है कि नामांकन का खाता खुल सकेगा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार नामांकन कर सकते हैं। दूसरे चरण के मतदान के लिए समाहरणालय दरभंगा प्रांगण में निर्वाचन कार्यालय में 9 से 16 अक्टूबर तक नामांकन की तिथि निर्धारित की गई है। सुबह 11 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक अभ्यर्थी अपना पर्चा दाखिल कर सकते हैं। तक तो नहीं हुआ है, व्यवस्था टोटल है, सबकी है, सभी व्यवस्था किया गया, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किया जाएगा, सभी काउंटर अलग है बना हुआ है, नामांकन के लिए अलग है, परमिशन के लिए अलग है, हेल्प डेस्क है, सब अलग अलग काउंटर है, सभी दूरी बना के बैठा हुआ है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा आयोजित परीक्षा दरभंगा के 23 केंद्रों पर आयोजित हुई, विभिन्न जगहों पर लिखे विद्यार्थियों ने पेपर। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा आयोजित दरभंगा के 23 परीक्षा केंद्रों पर पेपर लिखा विद्यार्थियों ने सुबह 9 बजे से शाम 5:30 तक। परीक्षा के क्रम में 500 गज की परिधि में शांति भंग करने के उद्देश्य से 5 या उससे अधिक व्यक्ति के एक जगह एकत्रित होने, आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार, विस्फोटक आदि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रही। मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, वाईफाई गैजेट, कैलकुलेटर, स्लाइड रूल, ग्राफ पेपर, चार्ट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, घड़ी, पेजर, सेलुलर फोन, एटीएम कार्ड एवं अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहा। तस्वीरें एमके कॉलेज लहेरियासराय तथा राजकीय बालक उच्च विद्यालय जिला स्कूल से है। इन परीक्षा केंद्रों पर जायजा लिया हमारी टीम ने परीक्षा के संचालन का। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फर्म लौटेंगे। बिताइए फुर्सत के क्षण अपनों के संग। दरभंगा का पहला आईएसओ प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट स्वादिष्ट मल्टी कुजन फैमिली रेस्टोरेंट V2 मॉल मिर्जापुर दरभंगा। सभी वेज नॉन वेज आइटम्स के साथ स्पेशल डिश की खूबियां। हर आयोजन के लिए 500 लोगों की क्षमता वाला एयर कंडीशन विवाह भवन, पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। महासेठ टेक्सटाइल्स बाकरगंज लहेरिया सराय दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियां ही साड़ियां, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। ब्रेक के बाद अपना आप सबों का स्वागत, बढ़ेंगे आगे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा में वाहन चेकिंग में अब तक 1,19,00,000 रुपए जब्त, 60 लोगों पर CCA की कार्रवाई। मास्क चेकिंग अभियान में 37,00,000 रुपए से ज्यादा की हुई अब तक वसूली। कोरोना एवं बिहार विधानसभा चुनाव के बीच दुर्गा पूजा के आयोजन हेतु गाइडलाइन जारी, मानने होंगे कई निर्देश। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि 31 अक्टूबर तक बढ़ाई गई। पढ़कर आगे बढ़ने का जज्बा, मुजफ्फरपुर जेल में बंद विचाराधीन कैदी पहुंचा परीक्षा देने दरभंगा। बिहार में कोरोना के 1,140 नए मरीज, आंकड़ा 1,95,000 के करीब, टोटल एक्टिव केस 12,250। दरभंगा में भी बढ़ा आंकड़ा, मिले 10 नए पॉजिटिव केस। कहीं चुनावी पाठशाला तो कहीं शपथ ग्रहण के जरिए जारी है मतदाता जागरूकता अभियान, जीविका दीदियां चला रही विभिन्न कार्यक्रम। व्यय प्रेक्षक ने किया क्षेत्र का भ्रमण, FST एवं SST के कार्यों का लिया जायजा। दुर्गा पूजा को लेकर दरभंगा जिला शांति समिति की बैठक आयोजित, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई मीटिंग। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के दूसरे दिन भी नहीं खुला खाता, एक भी प्रत्याशी ने अब तक दाखिल नहीं किया है नामांकन। कल रविवार को सार्वजनिक अवकाश, अब सोमवार पर टिकिया। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा दरभंगा के 23 केंद्रों पर आयोजित हुई परीक्षा। मिथिला विश्वविद्यालय में कुलपति की अध्यक्षता में आयोजित हुई मीटिंग। विश्वविद्यालय विभागों के प्राचार्यों को मिला टास्क।
संस्कृत विश्वविद्यालय में गूगल मीट के जरिए वेबिनार का हुआ आयोजन, कुलपति ने की अध्यक्षता। और अनसीन एलोकेंट्स द्वारा कल 11 अक्टूबर को संध्या 5 बजे आयोजित हो रहा युवा कवि सम्मेलन, फेसबुक पेज पर भी होगा लाइव प्रसारण। न्यूज टुडे दरभंगा निभा रहा मीडिया पार्टनर की भूमिका। मिथिला विश्वविद्यालय में कुलपति की अध्यक्षता में आयोजित हुई मीटिंग, विश्वविद्यालय विभागों के प्राचार्यों को मिला टास्क। अकादमिक प्रशासन दुनिया के सभी प्रशासनों से भिन्न होते हैं। अन्य प्रशासनों में प्रशासक को अपने से न्यून पदधारकों पर शासन करना पड़ता है, परंतु अकादमिक प्रशासन समकक्ष लोगों को साथ लेकर चलता है। बराबर की योग्यता सामर्थ्य वाले लोग मंच पर भी हैं और मंच के सामने भी। दोनों के बीच दूरी रहते हुए भी दूरी नहीं है, दोनों में एक और फर्क है। सामने बैठे स्थाई हैं और मंच पर बैठे अस्थाई, अस्थाई द्वारा स्थाई पर शासन होता है। उक्त बातें आज विश्वविद्यालय परिसर स्थित जुबली हॉल में विश्वविद्यालय विभागों के प्रधानाचार्यों को संबोधित करते हुए कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय के लिए यह सौभाग्य की बात है कि प्रतिकुलपति एवं कुलसचिव आप ही के बीच के हैं। उन्होंने शिक्षकों से सीमा से परे नवाचार, प्रगतिशील विचार, परिणाम परक शोध, पाठ्यक्रम में तर्कपूर्ण बदलाव हेतु उत्प्रेरित किया। उन्होंने आगे कहा कि शिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानक तय हैं, हमें अपनी उपलब्धियों के दौलत उस मानक को पार करना होगा। संस्कृत विश्वविद्यालय में गूगल मीट के जरिए वेबिनार का हुआ आयोजन, कुलपति ने की अध्यक्षता। संस्कृत विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर वेद विभाग की ओर से गूगल मीट के माध्यम से वेदानाम सार्वभौमिकत्वम विषयाश्रित एक दिवसीय वेबिनार का आयोजन किया गया। अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर उपेंद्र झा, मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग अध्यक्ष डॉक्टर जीवानंद झा, सारस्वतातिथि के रूप में कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के अध्यक्ष छात्र कल्याण प्रोफेसर शिवाकांत झा उपस्थित हुए। और अनसीन एलोकेंट्स द्वारा कल आयोजित हो रहा युवा कवि सम्मेलन, हराही पोखर के निकट आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम का संध्या 5 बजे से होगा फेसबुक पेज पर लाइव प्रसारण। आपका समाचार चैनल न्यूज टुडे दरभंगा निभा रहा है मीडिया पार्टनर की भूमिका। अनसीन एलोकेंट्स युवा कवि सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। कल 11 अक्टूबर की संध्या 5 बजे से 7 बजे तक यह आयोजन हो रहा है। फेसबुक पेज पर 5 बजे संध्या से यह आयोजन लाइव होगा, इसका लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। आपका समाचार चैनल न्यूज टुडे दरभंगा इस आयोजन में मीडिया पार्टनर की भूमिका निभा रहा है। इस आयोजन में जाने माने युवा कवि अपना जलवा बिखेरेंगे कल शाम। ये थे अब तक के समाचार, बिदालेंगे आपसे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा में वाहन चेकिंग में अब तक 1,19,00,000 रुपए जब्त, 60 लोगों पर सीसीए की कार्रवाई। मास्क चेकिंग अभियान में 37,00,000 रुपए से ज्यादा की हुई अब तक वसूली। कोरोना एवं बिहार विधानसभा चुनाव के बीच दुर्गा पूजा के आयोजन हेतु गाइडलाइन जारी, मानने होंगे कई निर्देश। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि 31 अक्टूबर तक बढ़ाई गई। पढ़कर आगे बढ़ने का जज्बा, मुजफ्फरपुर जेल में बंद विचाराधीन कैदी पहुंचा परीक्षा देने दरभंगा। बिहार में कोरोना के 1,140 नए मरीज, आंकड़ा 1,95,000 के करीब, टोटल एक्टिव केस 12,250। दरभंगा में भी बढ़ा आंकड़ा, मिले 10 नए पॉजिटिव केस। कहीं चुनावी पाठशाला तो कहीं शपथ ग्रहण के जरिए जारी है मतदाता जागरूकता अभियान, जीविका दीदियां चला रही विभिन्न कार्यक्रम। व्यय प्रेक्षक ने किया क्षेत्र का भ्रमण, एफएसटी एवं एसएसटी के कार्यों का लिया जायजा। दुर्गा पूजा को लेकर दरभंगा जिला शांति समिति की बैठक आयोजित, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई मीटिंग। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के दूसरे दिन भी नहीं खुला खाता, एक भी प्रत्याशी ने अब तक दाखिल नहीं किया है नामांकन, कल रविवार को सार्वजनिक अवकाश, अब सोमवार पर टिकियास।
बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा दरभंगा के 23 केंद्रों पर आयोजित हुई परीक्षा। मिथिला विश्वविद्यालय में कुलपति की अध्यक्षता में आयोजित हुई मीटिंग, विश्वविद्यालय विभागों के प्राचार्यों को मिला टास्क। संस्कृत विश्वविद्यालय में गूगल मीट के जरिए वेबिनार का हुआ आयोजन, कुलपति ने की अध्यक्षता। और अनसीन एलोकेंट्स द्वारा कल 11 अक्टूबर को संध्या 5 बजे आयोजित हो रहा युवा कवि सम्मेलन, फेसबुक पेज पर भी होगा लाइव प्रसारण। न्यूज टुडे दरभंगा निभा रहा मीडिया पार्टनर की भूमिका। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।